एचबीपीपी बैंक द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना ना फॉर्म नु 1 जुलाई थी कराशे वितरण। आत्मनिर्भर 1 मा 1 लाख सुधी अने आत्मनिर्भर 2 मा 2.5 लाख सुधी नी लोनो मळशे। लॉकडाउन दरमियान नाना दुकानदारो, फेरियाओ, रिक्षा चालको वगैरेना धंधा रोजगार ठप थई जता तेमने फरी पगभर थवा माटे गुजरात सरकार द्वारा आत्मनिर्भर योजना नी जाहेरात करवामां आवी हती, जेमां रूपिया 1 लाख सुधी नी लोन आपवामां आवशे। जेना चौक्स नियमों बोर्ड ऑफ डिरेक्टर्स द्वारा रिजर्व बैंक और रजिस्टर की गाइडलाइन आधार बनाई त्यारबाद आ योजना फॉर्म वितरण एसबीपीपी बैंक द्वारा करवामां, परंतु गत बोर्ड मीटिंग कोरोना अभावे मिली न सकता आ कार्यवाही पाची ठेलाई थी। जे दरमियान सरकारे आत्मनिर्भर योजना 2 की जाहरात करी थी, जेमा रूपया 2.5 लाख सुधी की लोन बैंक द्वारा अपाशे। आजे मिली बोर्ड ऑफ मीटिंग में हाजर रहे 15 डिरेक्टरे सर्वानुमते बन्ने योजनाओना नियमों की मंजूरी आपता 1 जुलाई थी योजना फॉर्म वितरण बैंक द्वारा करवामां आवशे। उपरोक्त माहिती आपता बैंक चेरमेन शरद भाई देसाईए योजना लाभ लेवा अपील करी हती। हूँ शरद देसाई, चेरमेन एसबीपीपी, सभासदो ने जणावानुं के गत बोर्ड मीटिंग कोरोना ने हिसाबे केन्सल थई हती, जेमां अमे आत्मनिर्भर एक योजना माटेना नियमों बनावीने ए पास करवाना था, परंतु त्यार पछी आत्मनिर्भर योजना 2 पण अमलमां आवी छे। आत्मनिर्भर योजना 1 मां 1 लाख सुधी लगीननी लोन सभासदोने मळी शके छे अने आत्मनिर्भर 2 मां 2.5 लाख लगीननी लोन सभासदोने मळी शके छे, जेनी अंदर आत्मनिर्भर 1 नी अंदर 1 लाख लगीननी लोनमां 2 गेरंटरो आपवाना रहे छे, જ્યારે આત્મનિર્ભર 2 માં 2 ગેરંટરો આપવાના રહે છે અને મિલકત પણ તારણમાં આપવાની રહેશે। આત્મનિર્ભર 1 માં લોનીએ ફક્ત 2% વ્યાજ ચૂકવવાનું છે, 6% વ્યાજ ગુજરાત સરકાર ભોગવશે અને આત્મનિર્ભર 2 માં 2.5 લાખની જે લોન છે તેની અંદર 8% વ્યાજ છે, તેમાં 4% વ્યાજ લોનીએ ભરવાનું છે અને 4% વ્યાજ ગુજરાત સરકાર ભોગવશે અને આ બંનેમાં 6 મહિનાનો મોનિટરિંગ પીરિયડ છે અને બાકીના હપ્તા 30 હપ્તામાં 1 સરખા હપ્તે ભરવાના રહેશે। આજની બોર્ડ મીટિંગમાં 15 જેટલા ડિરેક્ટરો હાજર રહ્યા હતા અને આત્મનિર્ભર 1 અને આત્મનિર્ભર 2 એ બંને યોજના સર્વસંમતિથી પાસ કરવામાં આવી છે અને 1 તારીખથી ફોર્મ મળશે અને સભાસદોને આ યોજનાનો લાભ લેવા માટે હું અપીલ કરું છું।